हेलो मैम, मुझे ना हेड वॉश करवाना है, साथ में फेशियल और भी बहुत सारी चीजें करवानी है मुझे, तो आप प्लीज बता दो मुझे आपके लिए। आपने करवाना है? हाँ जी, मैं नहीं करवाना है। जितिन किसी को बुला के ले आ सब। आप बैठ जाइए मैम, इधर बैठ जाइए। आप ना उधर बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। जतिन किसी को बुला के ले आ। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही जाओ। कहाँ जाते हैं? जाते हैं। साहिल सर, कोई क्लाइंट आए वहाँ पे जैसी, उनको अटेंड कर दो। अच्छा, कसमारा के फेशियल भी है इनके पास? यही पूछ लेती हूँ, यही करवा लेती हूँ मैं। मैम, आपके पास कसमारा का फेशियल भी है? मुझे कसमारा ही करवा दो आप। कसमारा करवाना है आपको? हाँ जी। कोई और फेशियल देख लो। मैंने कुछ पैसे आपके देखा है तो मुझे लगा कसमारा ठीक है, मैं वही करवा लेती हूँ। अच्छा ठीक, बैठो। यस मैम। यार, इन क्लाइंट की सर्विस है, देखना जरा जाकर। अच्छा, इनका मैम मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी और को देखना। Hi, can I just know about the luxury services you are providing? Sure ma'am, please have a seat. All right. Have water ma'am? Yeah, thanks. Yes ma'am, aapko kya service hai? I want advanced hair spa. हाँ ना यार, मेरे को बिजी बोल के उसका काम कर रहे हैं। क्लाइंट काफी देर से कैसे बैठी है, कितनी देर होगी इसको? साहिल को अंदर भेजना एक बार। हाँ जल्दी भेजो। सर, वो सोफे पे कस्टमर बैठे हैं। कितना टाइम इसे? सर, मेरे हाथ में उस टाइम कोई और क्लाइंट है। तो काउंसलिंग तो नहीं की थी ना? पर सर, वो देखने में भी ऐसे लग रहे हैं, कुछ देख ही नहीं जाएंगे, वहाँ से कुछ टिप भी बन जाएगी मेरी। तुम से काम नहीं करना उनको, भगा दो। सॉरी सर, जल्दी भी उठा काम कराऊंगा। ठीक सर, पीछे और भी ड्यूटी लगा। ओके सर। अजी, हाँ जी सर। ओ यार, अच्छी खासी टिप मिलनी थी पर सर ने काम खराब कर दिया, क्लाइंट उसको दे दी। ले भाई साहिल, आज तेरी टिप मेरी जेब में, रोज टिप लेता था ना। शिट यार, आज का भी दिन साला बेकार ही चला गया, टिप नहीं दी। हो गया नहीं? थैंक यू मैम। मैम का ट्रीटमेंट पूरा हो गया। कितने पैसे हुए मैम? 500 का। बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। सॉरी, मैं भूल गई थी, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये आपके लिए। थैंक यू बच्चे। सर, सच्ची वो सूट वाले मैडम है, उनको रोको। अरे सर का कॉल आया, जल्दी से मैम को रोकना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी सर, का कॉल आया, आप बोल रहे। साक्षी जी सर, पूरे स्टाफ सब लोग आपको बिजी मिलना है।
सारे स्टाफ की तरफ मैनेज कर रही हूँ ना, सर ने बुला रहा है। साक्षी, ये रीता है, माय वाइफ। ये साक्षी है, सैलून के मैनेजर है, और ये हमारा स्टाफ है। कैसा लगा सैलून में आकर पहली बार? मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो तो इन सबको पता ही है, तो आप खुद ही बता दीजिए। मैम वी आर वेरी सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं, तो हमें नहीं पता था आप यहाँ के ओनर है। तो बात मुझे सॉरी बोलने की नहीं है, अगर मेरी जगह कोई और क्लाइंट भी आता, आपने मेरी ड्रेसिंग सेंस से, मेरे कपड़ों से ये जज कर लिया कि मैं यहाँ कुछ नहीं करवा के जाऊंगी, तो अगर मेरी जगह कोई और क्लाइंट होता तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करते? अगर मेरी जगह कोई दूसरा क्लाइंट आया है मेरे साथ में, आप उनको अच्छे से डील कर रहे हो, मैं देसी लग रही हूँ, मैंने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, मैंने सूट पहना हुआ है, मेरा पहरावा वैसा है, तो आप लोगों ने ये सोच लिया कि मैं काम ही नहीं करवा के जाऊंगी? दोबारा मुझे ये चीज नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे। क्लाइंट जो है वो सब एक समान है, जो भी क्लाइंट आता है चाहे वो जैसे ही कपड़े पहन के आए, उनका पहरावा कैसे ही हो, बट आपको सेम जैसे मेरे को डील किया वैसे कभी किसी को डील मत करना। आई समझ? ये चीजें तो ध्यान रखा करो ना थोड़ा। सो गाइज, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमारी ओर से एक छोटा सा मैसेज था कि क्लाइंट जो है वो भगवान के समान होता है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे क्लाइंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, बट कहीं कोई कमी अगर रह जाती है हमारे एंड से, हम उसे करेक्ट करने की कोशिश रखते हैं हमेशा। और हम ये मैसेज देना चाहते थे इस वीडियो के जरिए कि चाहे कोई कैसे भी कपड़े पहन के आए, चाहे उसका लाइफस्टाइल जैसा भी है, अगर वो सर्विस लेने आता है तो उसको कभी जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, और होप सो आपको ये हमारा मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया, और ये हमारे बच्चे थोड़े अनप्रोफेशनल है, अभी कैमरा फेस करना जानते नहीं है, बट जब ये कैमरा फेस करने लग जाएंगे तो और अच्छे से वीडियो बनाया करेंगे। बाय बाय।